जिस पवित्र नदी के आप अभी दर्शन कर रहे हैं, यह वो नदी है जिसके इर्द गिर्द गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का 14 साल से भी अधिक समय बिताया था और इसी नदी में गुरु जी 3 दिन तक अलोप हो गए थे और चौथे दिन बाहर निकलकर उन्होंने मूल मंत्र की रचना की। जिस नदी के आप दर्शन कर रहे हैं ये है कालीवेई नदी, जो कि पंजाब के शहर सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारे श्री बेर साहिब से होती हुई बहती है। एक दिन गुरु नानक देव जी अपनी दिनचर्या के अनुसार जब कालीवेई नदी में स्नान करने गए तो किनारे पर खड़े अपने सेवादार को अपने कपड़े पकड़ाकर आप पानी में गोता लगाकर इस तरह आलोप हुए कि 3 दिन तक नदी से बाहर ही ना आए। सेवादार ने यह खबर नवाब दौलत खान को और जयराम जी को जाकर बता दी। उन सभी ने गुरु जी को बहुत ढूंढा, नदी में आदमी भेजे गए, जाल डलवाए, परंतु आप जी का कोई पता न चल सका। जब 3 दिन तक गुरु जी की कोई खबर न मिली तब सारे शहर में यह बात फैल गई कि गुरु जी नदी में डूब गए हैं, जबकि उनकी बहन बीबी नानकी जी बिल्कुल भी घबराए नहीं और सभी को समझाते रहे कि उनका भाई डूब नहीं सकता क्योंकि वैतन खुद निरंकार का रूप है। फिर अचानक 3 दिन बाद गुरु नानक देव जी नदी से बाहर आ गए, तब उनके दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई। जब लोगों ने गुरु जी से पूछा कि हे महाराज, आप 3 दिन तक नदी में किस तरह रहे, तब गुरु जी ने बताया कि यहाँ से हम निरंकार के पास सचखंड गए थे। निरंकार ने हमें हुक्म दिया कि आप लोगों में प्रेमा भक्ति पैदा करके सत्य का प्रचार करो, लोगों को एक ईश्वर के साथ जोड़ो, और गुरुजी ने यह शब्द निरंकार को कहे। श्री राग महला पहला। कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पियोन अप्याओ, चंद सूरज दोए गुफे ना देखा, सुपने सौन ना थाओ, भी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड आखा नाओ। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरी उम्र करोड़ों साल हो जाए, अगर हवा मेरा अन्न पानी यानी भोजन बन जाए, यदि मैं हवा के आस से जीवन जी सकूं, यदि किसी गुफा में बैठकर चांद और सूरज को कभी ना देख पाऊं, यानी कि मैं गुफा में ही समाधि लगाए रखूं, और अगर सपने में भी सोने की जगह ना मिल सके, यानी मैं कभी ना सो सकूं, तो भी हे प्रभु, इतनी लंबी समाधियां लगा के भी मैं तेरी कीमत नहीं जान सकता। तेरे बराबर का मैं किसी और को नहीं ढूंढ सकता। मैं तेरी कितनी महानता बयान करूं, मैं तेरी महानता बताने के काबिल ही नहीं हूं। गुरुजी के मुख से ये शब्द सुनकर निरंकार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरुजी को मूल मंत्र दिया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। इसी के साथ तब निरंकार ने गुरु जी को आज्ञा दी कि इस मंत्र को आप जपो और कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए उनसे इस मंत्र का जाप करवाओ। इस अद्भुत मुलाकात के बाद गुरु जी ने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जिसका अर्थ गुरु जी ने बताया कि इस समय अपने धर्म पर चलने वाला ना कोई सच्चा हिंदू है और ना कोई अपने दीन मजहब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसलमान ही है। आज भी इस नदी की बहुत महानता है, लोग दूर दूर से यहाँ स्नान करने आते हैं। यदि आपको कभी मौका मिले तो आप इस स्थान के दर्शन करने जरूर आएं। हमने पहले से ही सुल्तानपुर लोधी के सारे गुरुद्वारों की डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।